अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुश। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी होंगे सारे खुश अपने अपने घरों में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। उसके सामान मेरे पास रखे हुए हैं, ये सारे सामान मैंने रख रखा है। और ये है मेरे पास ब्रेड है आधा पैकेट, जिसके मैं अपने शाही टुकड़े बनाऊँगी। ये 1 लीटर दूध है, इसमें इतना ही ब्रेड काफ़ी रहेगा। ये डालडा घी है तलने के लिए। ये है मेरा खोया, जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। क्वांटिटी बस थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। ये थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, चिरौंजी और बादाम, और ये 3 हरी इलायची हैं। तो ये सब सामान मेरा शाही टुकड़ों में लगने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो दूध है वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने एक बूंद भी पानी ऐड नहीं करा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। रबड़ी तो नहीं बनाऊंगी, बट हाँ थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि आप कभी भी कोई भी मीठा बनाओ तो उसके अंदर घी के अलावा कुछ और यूज़ मत करिएगा, रिफाइंड या कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हैवी हो जाता है मीठे में, रिफाइंड वगैरह। या तो आप शुद्ध घी यूज़ करिए और या फिर आप डालडा करिए। ये दोनों चीज़ें मीठे के लिए प्रेफर है, क्योंकि मैं शाही टुकड़ा डालडा घी में तल रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी में भी कर सकते हो, बट मेरे को डालडा घी का ही टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने अपनी इलायचियाँ जो हैं वो इमाम दस्ते में कूट ली हैं, वो मैं दूध में ऐड कर दूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा करने का मेरे पास बस एक ही रीज़न था, आपके थे बहुत सारे सवाल और जिनके मुझे आज देने हैं जवाब। तो ये मेरा भी जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। तो इधर जब तक दूध बॉईल हो रहा था तो मैंने सोचा, चलो जी मैं अपने जो ब्रेड हैं उनको मैं काट लेती हूँ। कई लोग ऐसे करते हैं, आप चाहो तो इसके जो एजेस होते हैं साइड के कॉर्नर वो काट सकते हो, बट मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि मुझे तो सारा कुछ ही ब्रेड पूरा यूज़ करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि वेस्टेज लगता है। उसको आप साइड से काट दो तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। आप इसी तरीके से करोगे आपका, बल्कि साइड वाले जो होते हैं ना वो थोड़े से और भी टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से जब आते हैं। तो मर्जी है, एजेस काट सकते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजेस नहीं काटोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी रेसिपी में टेस्ट आपका बरकरार रहेगा, सारा टेस्ट होता है। आपके अच्छे से ब्रेड सिकने चाहिए और आपका दूध भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो वही सारा दारमदार है। ब्रेड के साइज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी शेप में आपको मन करे, छोटे से छोटा कर लो, बड़े से बड़ा कर लो। मैंने इस बार बड़ा कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी थी। आप यकीन नहीं मान हुई, ये वीडियो मैं रात को 11:30 बजे बना रही थी। शाही टुकड़े अपने मैं बना के हटी हूँ, क्योंकि दिन भर में बहुत काम रहता है, सर्दियाँ आ करने वाली हैं, छोटे छोटे दिन हो रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो कल तो मैंने, आज जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैटरडे की वीडियो है। रात को मैंने 11:30 बजे इसलिए बनाए क्योंकि मैंने पूरा दिन कपड़े धोए थे, अल्फिया के सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, उनको वॉश करके सारा सुखाया। अब संडे वाले दिन मैं अपने हस्बैंड के और बड़ी बेटी के कपड़े निकाल के वॉश करके उसको सिखाऊंगी। तो बस इसी में पूरा दिन कहाँ से जाता। फिर मेरी नमाज, कुरान शरीफ होता है, घर के और भी अदद काम होते हैं, तो वो मैं इसलिए इतना लेट हो जाता है। और कोशिश मेरी ये रहेगी, मैंने एक आप लोगों से सजेशन बोल रही हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि मैं सैटरडे संडे को व्लॉगिंग करके आप लोगों के सवाल और जवाब दे सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए कि मैं सैटरडे संडे वीडियो में, मतलब रेसिपी ना देके अगर व्लॉग दूँ तो कैसा रहेगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखो, मैं इसको एक और शेप में काट रही हूँ, आप चाहो तो इस शेप में भी काट सकते हो। स्क्वायर में काटा है, पहले वो ट्राइंगल था, अब ये स्क्वायर है। अगर आपको ये शेप पसंद है तो आप इस शेप में भी कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जी, एक जी सिस्टर का मेरा सवाल था, उनका सवाल था कि आप बहुत बार ये बोलते हो कि आप बीमार हो तो आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो सिस्टर, मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो ये हैं कि मेरे 3 बेबीज़ हुए हैं, वो भी सी सेक्शन से हुए हैं। मेरा पहला बड़ा बेटा हुआ था वो आफ्टर 15 डेज, वो भी सी सेक्शन से हुआ था। 15 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया था, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए उसको खोने का। तो उसके खोने के कुछ ही टाइम बाद
फ्यू मंथ्स बाद मुझे शुगर हो गई थी डायबिटिक। मेरी बड़ी बेटी इनायत जब पैदा हुई थी अब तक मैं डायबिटिक पेशेंट बन चुकी थी और मेरी एज 23 थी। तो डायबिटिक पेशेंट को आपको पता है कि बच्चे इतने इजीली नहीं होते हैं, तो इनायत के लिए मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा है और इंसुलिन लेती थी, सब कुछ करती थी। तो अब आपको पता है कि शुगर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, दीमक की तरह उसको बॉडी को खा जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। यहाँ पे मैंने अपना मखाने और बादाम का मैं पाउडर बना के रखती हूँ अल्फिया के लिए, खीर के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही थी, वो भी इसी में ही ऐड होगा। तो मैं बता रही थी आपको कि मुझे शुगर हो चुका था, तो इंजेक्शन के थ्रू सब कुछ करके इनायत को दुनिया में लेकर आए। यहाँ मैंने चीनी ऐड कर दी है, चीनी जो है इसमें कमी डालिएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और खोया ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसलिए चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, फिर इनायत भी इसी सेक्शन से ही आए क्योंकि मुझे लेबर पेन नहीं हो रहे थे, तो इनायत आई। इनायत के 5 साल की इनायत जब हो गई थी उसके बाद हम अल्फिया को लेकर इस जब प्लान करा हमने, तो इतने प्रॉब्लम्स के साथ मैं गुजरी थी कि जिस टाइम अल्फिया को डिलीवर हो रही थी वो भी इसी सेक्शन से हुई, और अल्फिया को डिलीवर करते करते मैं वेंटिलेटर पर चली गई थी क्योंकि मेरा प्लेसेंटा पेवियस था, तो मेरा न्यूट्रिस भी निकाल दिया डॉक्टर ने। बहुत हेल्थ इश्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो गए कि मेरा मुझे 1 महीने के लिए यूरिन बैग के साथ रहना पड़ा था, मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरी बच्ची बहुत जल्दी घर आ चुकी थी और मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। तो बहुत ही सॉरी, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। तो मेरी जो हेल्थ है इसलिए हेल्थ इश्यूज़ हैं। आई होप मैंने आपको आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे दिया होगा, और बस इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, इतना वर्कलोड, इतना दिमाग में। अभी भी मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरी शुगर जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, कई बार बहुत कम हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अब मैं इंसुलिन पर नहीं हूँ, बट अब मैं मेडिसिन पर ही हूँ। तो ये है मेरा हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न जो आप लोगों को मैंने बता दिया है, और मैं आपके साथ अपना वो सीन भी शेयर करूँगी जब मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरे हस्बैंड ने कैसे सरवाइव करा, मेरे घर वालों ने, इन लॉज ने कैसे सरवाइव करा है। बहुत मुश्किल था क्योंकि डॉक्टर ने जो बोल दिया था कि अगर इसको 48 आवर्स में होश आता है तो ये ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। तो अल्फिया मेरे लिए बहुत लक्की है कि उसने अपनी मम्मा को बचा लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल था और इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था मेरा कि मुझे 20 बॉटल रेड ब्लड चढ़ा था और 4 बॉटल्स जो है मुझे वाइट ब्लड हीमोग्लोबिन जो होता है वो चढ़ा था, और बॉडी से सारा खून चला गया था, और रमज़ानों में अल्फिया हुई थी तो अल्लाह मियाँ ने बस बचा लिया था। अल्फिया इस दुनिया में बहुत जल्दी आने वाली थी, बट अल्लाह को पता है उनकी नज़र बहुत सीधी थी। 21 मई को मेरी मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी और उसी दिन मुझे ब्लडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे ओटी में लेके गए, तैयार करा कि अब इनका सी सेक्शन कर देंगे। तैयार करा ओटी में, जब मैं गई तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने पूछा कि इनको डेक्स का एक इंजेक्शन्स होते हैं जो बच्चे के लंग्स को मजबूत करने के लिए लगते हैं, तो वो मुझे नहीं लगा था, तो उन्होंने मुझे लेबर पेन के लिए लेबर रूम में 24 आवर्स के लिए रखा कि नहीं, हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि अगर इनको दोबारा बिल्डिंग होती है तो हमें बच्चा निकालना पड़ेगा, डिलीवरी करवानी पड़ेगी, वरना तो हम डेक्सा क्या ही वेट करेंगे ताकि बच्चा सरवाइव अपने बल पे कर सके। क्योंकि मैं बहुत हाई शुगर में मैंने कंसीव करा था अल्फिया को भी, और हाई शुगर में ही मैंने इनायत को भी कंसीव करा था, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बहुत मुश्किल है आपके बच्चों को बचाना क्योंकि आप इतने हाई शुगर में हो सकता है बच्चा विकलांग हो, कुछ हो, तो आप हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहिएगा। पूरे 9 महीने एक डर के साथ काटती हूँ अपने बच्चों के लिए, और इतना परहेज करने के बाद भी मेरा शुगर बहुत बड़ा रहता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट बहुत बड़ा रहता है। मेरा पूरा 9 मंथ्स जो है ना सिर्फ दाल और रोटी के साथ कटते हैं, और मेरे इंसुलिन और दवाइयों के साथ, उसके अलावा मैं
कोई तीसरी चीज़ नहीं लेती हूँ डर की वजह से, और सैड टाइम में अपना शुगर मॉनिटरिंग करती हूँ खुद से, और फिर उसके बाद मेरा लैब में जाता है ब्लड निकल के कि इनका अब शुगर क्या है। हर तीसरे दिन की ये कहानी होती है पूरे 9 महीने। इनायत के टाइम पे मेरे को 25 बार कैनूला लगा था, क्योंकि बार बार शुगर कम हो जाती थी तो मैं बेहोश हो रही थी, तो कई बार मुझे 3-4 बार लेबर रूम में जाना पड़ता था कि मॉनिटरिंग के लिए। बार बार वो चेक करते थे, NST करी जाती थी कि बच्चा ठीक तो है, बच्चा तो ठीक है। तो बहुत डर के साथ बच्चे हुए हैं मेरे, बहुत परेशानी के साथ हुए हैं, तो इसलिए हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। पहले नहीं थे, अब होने लगे हैं। तो यही मैंने अपने ब्रेड जो है ना वो घी के अंदर अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो इनको शैलो फ्राई कर सकते हो, बट डीप फ्राई में इजी होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे तरीके से इन्हें करिएगा, जलने नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना डालडा घी जो होता है बहुत जल्दी चीज़ों को जला भी देता है, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से करने हैं, डीप फ्राई करने हैं, ध्यान से करने हैं। तो बस मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी है। और अल्फिया के टाइम पे तो मुझे 52 बार कैनूला लगा था, क्योंकि इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी मेरे को शुगर फ्लक्चुएट होने की, और मैं पूरा पूरा टाइम हॉस्पिटलाइज होती हूँ। मुझे बस वो लोग 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए घर पे भेजते हैं विज़िट करने के लिए कि चलो जी घर पे होया हो, क्योंकि केस ही मेरे इतने ज़्यादा इतना मेजर हो जाता है कि बस पूछो मत। तो बस ऊपर वाले ने 2 बेटियां दे दी, खैर से बेटा दिया था वो छीन लिया, उसकी अमानत है, हम क्या कर सकते हैं दुआ के अलावा। आप लोग सोचोगे मीठा बना रही है और रो रो के हमें बता रही है, सॉरी मेरे आंसू बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो जो मेरे ये बच्चे होते हैं ना, इसमें मेहनत मेरी के अलावा मेरे हस्बैंड की बहुत होती है, उनका सपोर्ट बहुत होता है, क्योंकि एक ऐसे क्या बोलूँ, बस हस्बैंड ही थे जिनकी बदौलत बच्चे हो गए इनकी मेहनत की वजह से। क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है ना, मैं नॉर्मल केस होती हूँ, मैं शुगर पेशेंट के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इतने टेस्ट इतने ज़्यादा कि कई बार तो थक जाओ इंसान टेस्ट करा करा के, आपका ना आपका मनोबल जो है ना वो खोने लगता है। लेकिन हस्बैंड जो होते हैं ना एक चट्टान की तरह मेरे सामने आते हैं कि नहीं करना है यार, कैसे नहीं करोगे, सब हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। और जब मैंने इनायत को पैदा करा था, तो जब इनायत मेरे पास आई थी तो हस्बैंड मेरे सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो बेटा एक्सपायर हुआ था तो बहुत दुख थी, मैं बहुत परेशान थी, तो इनायत को बहुत मुश्किलों से मांगा था ऊपर वाले से, तो मुझे ICU में शिफ्ट कर दिया था, मेरे साथ बच्चा नहीं आया था रूम से। तो मैं अपने बार बार जो भी गेस्ट मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, रिश्तेदार मम्मा बहनें सबसे पूछ रही थी कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ, उन्होंने कहा बेटी हुई है बहुत प्यारी, मैंने कहा कहाँ है दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही, वो ठीक ठाक है, क्योंकि पहला हादसा बहुत बुरा हो गया था मेरे साथ। तो हस्बैंड को मैंने बोला कि ऐसा है आसिफ जी को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने, बहन ने मैसेज पहुँचाया कि भाई जी बाजी आपसे बात करना, जब बुला रही हैं। तो उन्होंने सीधा कह दिया नहीं, जब तक अब मैं उसको बच्चा नहीं दूंगा ना उसका लाके, मैं उस अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसको। तो मेरी जो सिजेरियन था वो सुबह 6 बजे हुआ था, और इनायत मेरे पास आई दोपहर को 2:30 बजे। मेरी हालत उस टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, शुगर इतनी फ्लैक्चुएट हो रही थी, डॉक्टर बार बार समझा रहे थे कि नहीं देखो आप इतना टेंशन मत लो, बच्चा ठीक है, ऑब्जर्वेशन में है, और क्योंकि शुगर पेशेंट का बच्चा है, बट एक माँ का दिल जो पहले से इतना डरा हुआ है, मैं बहुत डरी हुई थी। फिर 2:30 बजे मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर आए, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इनायत को देखा था तभी मैंने उसका नाम इनायत रख दिया था, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पे इतना बड़ा करम करा था। 9 महीने डॉक्टरों का ये सुनना बहुत मुश्किल होता है कि आपका बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, विकलांग होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो वो डर के साथ 9 महीने गुजारे थे। इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है,
फिर मैंने उसको देखते के साथ ही इनायत नाम रखा था, और तब मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई थी कि लो तुम्हारा बच्चा, जितना मर्जी प्यार कर लो इसे तुमसे कोई नहीं लेके जाएगा, बट ऊपर वाला जो है ना बहुत इम्तिहान लेता है मेरा। उसके बाद भी 22 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली थी, डिस्चार्ज मिला था, क्योंकि इनायत को पी लिया हो गया था। तो बहुत डर डर के, वो जो डिलीवरी के बाद भी टाइम निकाला ना, वो भी बहुत डर डर के निकाला पल पल। मुझे ये था कि हॉस्पिटल वाले मेरा बच्चा छीन लेंगे, आप मुझे यहाँ से जल्द लेके चले जाओ। तो वो भी एक पागलपन था जो हस्बैंड ने झेला है, बड़े बेटे के ख़त्म होने के बाद भी सारा पागलपन हस्बैंड ने झेला है। तो वो बहुत अच्छे से समझाते थे कि रानी तुमसे कोई नहीं लेगा बच्चा, तुम मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर मेरी मम्मा गई कि मम्मा ये बहुत परेशान हो रही है, क्या करें। मम्मा ने कहा अच्छा मैं समझाती हूँ उसको। फिर मम्मा ने बोला यहाँ मैंने ना डालडा घी का तड़का लगाया है चिरौंजी के साथ, तो ये बहुत अच्छा जाता है कि आपके मीठे में, तो ये मैंने दूध में अपने डालडा घी का तड़का लगा दिया है। फिर मेरी मम्मा आई, उन्होंने कहा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे बुलबुल ने मेरे साथ, मम्मा ने मेरे साथ ऐसे खड़े रहे थे, पूरा पूरा टाइम आईसीयू में बैठे रहते थे, एक स्टूल पे बच्चे को लेकर, बच्चे को संभालना बहुत, मैं बता नहीं सकती कि मेरा घर कितना सपोर्ट करा है, मेरे ससुराल वालों ने कितना करा है, बहुत करा है। और बस यहाँ मेरे शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। अल्फिया की स्टोरी और भी डेंजर है, वो मैं आपको किसी और मीठे में बताऊंगी। तो बस ये मेरा शाही टुकड़ा तैयार हो गया है। आई होप मैंने आपका अच्छे तरीके से जवाब दिया होगा। बस वीडियो लंबा करने का यही एक रीज़न था, अपना हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ शेयर करना था। तो मैं कोई बहाने नहीं बनाती ना कुछ करती, बस ऊपर वाले ने प्रॉब्लम ही इतनी सारी दे दी थी, तो उससे बस सर्वाइव करती रहती हूँ जितना हो सकता है उतना। अब आप ये मत सोचिएगा कि मीठा बनाया तो मैंने खाया, तो मैंने एक चम्मच भी नहीं खाया। मैं परहेज अपना काफ़ी अच्छे से कर लेती, क्योंकि मुझे अभी अपने बच्चे पालने हैं, जो पैदा करना ही काम नहीं है, उनको अच्छे से पालना परवरिश करना भी है। पता नहीं इनके साथ मैं कब तक हूँ कब तक नहीं, तो इसलिए मैं अपना किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपना ध्यान खुद ही रख लेती हूँ, अपने मेडिसिन अपनी दवाइयाँ सब कुछ मैं अपना खुद करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड मुझे ला के दे सकते, खाने का काम मेरा खुद का है, कैसे खाना है कितना खाना है वो भी उनको नहीं मालूम, वो मुझे पता है कैसे करना है। तो बस ये मेरे शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं, मैंने आपको अपने सारे जवाब दे दिए थे, और बाकी के जो सवाल के बहुत सारे और भी सवाल हैं उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का दूंगी। वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी थी, तो प्लीज़ इसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए कोई गलती हुई हो तो उसके लिए। और ये देखिए मैं थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट से इसको गार्निशिंग करूँगी। मीठा इंसान खुशी में खाता है, खुश तो मैं बहुत हूँ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, दो प्यारी सी बेटियाँ दे दी, इतना प्यारा सा हस्बैंड दे दिया, तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये मेरा मीठा बनके तैयार है, आप इसे खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, और ये दिवाली के लिए बहुत अच्छा स्वीट है। तो आप सबको मेरी तरफ से